उसने एक एक गोल किया और पेनल्टी शॉट के माध्यम से रांची टीम ने जीत दर्ज करके आज इस क्वार्टर के लिए अपना जगह क्वालिफाई किया है। अगर इनके प्रतिद्वंदी की बात करें यहाँ इलाहाबाद टीम का, तो इलाहाबाद की टीम ने पिछले मैच में मालदा सोनाजी एकादश टीम को 1-0 से शिकस्त करके उनको मात दे करके आज इस क्वार्टर राउंड में अपने जगह बनाए हुए हैं। और उस मैच में भी जो अभी गोल किए इलाहाबाद टीम से 11 नंबर जो एक विदेशी मुल्क के जो खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा ही गोल लगा गया था पिछले मैच में भी। और शुरुआती समय में यहाँ पर इस फर्स्ट हाफ के लगभग लगभग 3-4 मिनट के अंदर ही पहला गोल देकर के इसी बीच मौका मिलेगा और एलोसन वहां स्टाइलिश तरीके से हेडिंग के माध्यम से गेंद को निकालने का प्रयास किए थे, लेकिन ऐसे समय में वहां पर अटैकर टीम को मौका मिला था शॉट लेने के लिए। शॉट थोड़ा उन्हें कंफ्यूजन रहे और जब उन्हें बॉल उन्हें को रिलीज शुरू कर रहे हैं नोगान समय उन्हें को रांची टीम निनो मोज अवसर को जान लेता बॉल क्लियर करते उन्हें खोज को गोल किया और मैच को बराबरी दरिया किया बिनखाए उन्होंने नजदीकी अवसर खोए उन्हीं को जल्दीबाजी रहे हड़बड़ाहट रहे उन्हें बॉल फ्रेम रहे बाइट हो गई ना और बनखाए आराम से गोल को और मैच को बराबरी दरिया किया रांची टीम। रांची की टीम भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है रांची के पास गया जर्सी नंबर वहां 17 को पास बढ़ा दिया वहां से 7 नंबर छोटू के लिए इसी बीच मौका बनेगा लेकिन हेलो सर और भले यहाँ पर एक गोल से पीछे है रांची की टीम लेकिन खेल बहुत ही बेहतर बन रहा है अभी तक और कई ऐसे नजदीकी अवसर भी बना है रांची टीम के द्वारा। और 13 नंबर कनेक्शन उतना अच्छा इस बार लगा नहीं यहां से इलाहाबाद की टीम बबूलाल टुडू गेंद पहले से बाहर जाती है इस बार छोटू के पास गए रांची टीम से 7 नंबर छोटू आगे बढ़ते हुए हल्का सा लॉपिंग पास वहां अमित के क्षेत्र में अमित क्या गेंद तक पहुंच पाएंगे लेकिन उससे पहले बाबूजी हेमरम जर्सी नंबर 15 इलाहाबाद टीम से गेंद को क्लियर किए और गेंद प्ले से बाहर चली गई। कल दिन का मैच और समय सामरी में थोड़ा सा आप सुबह को मैं बता दूं कल जो ग्रुप बी से मैच खेला जाना है कल 8 बजे से ही मैच शुरू हो जाएगी। हालांकि आज फर्स्ट दिन था इसलिए थोड़ा सा समय डिले हुआ लगभग 1 घंटा समय आज डिले हुआ था फर्स्ट दिन के कारण, लेकिन कल सही समय पर निर्धारित समय पर ही मैच कल शुरू होगी। इसीलिए जितने भी ऑडियंस है जितने भी खेल खिलाड़ीगण है जो सुन रहे हैं कल जिसका मैच है आप सही समय पर कल आए क्योंकि कल 8 बजे से ही मैच प्रारंभ होना है। कल दिन का ग्रुप बी से जो फर्स्ट मैच हम देखेंगे 8 बजे यह मैच खेलेंगे बीएसके कॉलेज बरहरवा वर्सेस एसडीएफसी जमशेदपुर और कल दिन का जो सेकेंड मैच होगा यह 9:35 में इसका शेड्यूल टाइम दिया गया है और यह मैच खेलेंगे एमएफसी मोहम्मदपुर गाजीपुर वर्सेस एफसी कोलकाता वेस्ट बंगाल के बीच में। कल दिन का जो थर्ड मैच होगा 11:10 से ये मैच होना है एबी फ्रेंड दुर्गापुर वेस्ट बंगाल वर्सेस मालदा गाजल एफसी के बीच में। कल दिन का जो फोर्थ मैच होगा बादोली बयार हरिपुर दुमका वर्सेस एफसी बीरभूम वेस्ट बंगाल के बीच में। तो कल भी
ग्रुप बी से जो 8 टीम्स को हम देख पाएंगे, 8 न्यू टीम्स जो आएंगे, हर एक टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत और नामी ग्रामी टीम कल ग्रुप बी से आप सबको देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आज के दिन में जितने भी ऑडियंस, जितने भी दर्शक शरीक हुए हैं, आज की अपेक्षा कल इससे भी भारी से भारी तादाद में आप यहाँ पर शरीक हो इस टूर्नामेंट के दूसरे दिन में। और जिस तरह से कुछ समय पहले फाइनल दिन का जो कार्यक्रम है उसके बारे में जिस प्रकार से चर्चा किया गया था कि फाइनल के दिन में मात्र 3 ही मैच रहेगा, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच, उसके साथ ही साथ 10 बजे से ही कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का भी रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है। और स्पोर्ट्स में कई सारे ऐसे नाना प्रकार के इवेंट्स, स्पोर्ट्स का कार्यक्रम जो रखा गया है उसमें से पुरुषों के लिए, पुरुष वर्ग के लिए 20 चक्कर का रेस रखा गया है। पुरुष वर्ग के लिए फाइनल के दिन 10 बजे से जो स्पोर्ट्स का कार्यक्रम होगा इसमें 20 चक्कर का रेस रखा गया है और इसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 8,000, पहला दो 2,000, दूसरा दो 1,000 और तीसरा दो 700। नौका की आप सार तू यहां पर आओ। जो तीरंदाजी रे भाग हटाओ पे बेंजोगे कन खाए ओका आसार आ आर सार करा ओका आसार करा ओना तो आपे ना साउथ की पे हो गया ओना कोई की इंटे जतो हो नोडे कमिटी से खोयो प्रोवाइड थोड़ी मुश्किल गया अदोनाइते ओना आ आर सार को ओना दो आपे ओना कोई की पे अगुत्रा तो बोला चाहे बाबा जुना हो चाहे गोपो जुना हो सास होंगे ते बोरा रेस कुड़ी की कुड़ी कुआ इधर कहते पे कटार ना थर्ड हफा रहा हूँ मेरा मैं बाहर होड़ा मेरा मैं बढ़िया जगह थोल जिलर कहते उनका ना थर्ड रहा था है ना सास होंगे ते जिलेबी रेस को आ रहा है ना लेकिन उनका ना इवेंट्स को था है ना आदो निश्चित रूप से ये के लिए आरोज जो नवा कमिटी से कोई नवा एडीसी बढ़ेट नवा आयोजक कमिटी से कोई आपने जो तो को तेही जिरकी पे बढ़ने चुक करा जो फाइनल दिन दो जब उन जस्ती कहते बुन सेडरो मा अनुवा को नाना हुनर स्पोर्ट्स ना कार्यक्रम ना जमन बुन सेलेक्ट करते नवा टूटा बैठा होगा कार्यक्रम करा जब उन वाकु बुन जलसा की दरिया मा आरपुन सफल दरिया मा इटिर बुआ मिनट लगभग करूंगा जलना पहला गोल जलना 3-4 मिनट अंदर लगे पहला गोल ओकोई नीते गोल के नुई चार ये गोल लेना इमानुएल आर दूसरा गोल हो लगभग उन्हें कोई तकरीबन 19 मिनट आसपास रहे 19-20 मिनट आसपास रहे उन्हें कोई ना हो ये दूसरा हो नुई चार से कोई गोल ना आर नुया व्यक्तिगत गोल वहां मैच रे बारिया में ना आर पिछले मैच रहो मीठे गोल लेना आर नुई दो तिहिया देर ना होगा मैच रहे पहले दिन रहे जब तो कोई ठीक गोली पियर्स रूप रहे लिखा चुका है ना आनुई थे हैट्रिक लेना हैट्रिक लगा उनकी स्पॉन्सर है वो इमानुएल अपने हित में कर सकते हैं। इसी बीच में देख पा रहा हूँ फोर्थ ऑफिशियल बेंच के सामने प्लेयर्स में बदलाव की तैयारी रांची टीम से चल रही है ये ऑफसाइड का कॉल और इसी बीच प्लेयर्स में बदलाव रांची टीम जर्सी नंबर 13 आउट और उसके जगह में रिप्लेस होंगे जर्सी नंबर 11 हेलो
खेल दीजिए, जा रहे हैं हम पैसा दे। हाँ तो छोड़िए तो मैं जीतेगा अभी। और हेलो नो देखो रांची टीम उत्तर टीम को और मोच टीम का को और मोच गति का जाएंगे तुम ना नई प्लेयर को बुझे ले का 10 नंबर ओके तो अमित वो हम जाएंगे ओके तो पिछले मैच रहे आया टीम लगी ये मानवेल तीन गोल इनका हो गया है, हैट्रिक पूरा कर लिए हैं। और देवलाल जी आप तैयार रहिएगा, मैच खत्म होने के साथ ही आप 2001 रुपया आप तैयार रखेंगे हमारे इमानुएल को सम्मानित करने के लिए। और पहले खिलाड़ी बन गए हैं आज के दिन में, 2 मैच में 4 गोल अभी तक इनका आया है और एक बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए इमानुएल आज के दिन में। आज टोटल 8 टीमों में मात्र यहाँ एक टीम से 2 फॉरेनर प्लेयर भी आए हैं, लेकिन इन्होंने अपना करिश्माई खेल लेकर के यहाँ के ऑडियंसों को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। एलोसन डिफेंस जोन से अपना का देते हुए और स्ट्राइकर जोन में यहाँ इमानुएल 11 नंबर आज के दिन में पहला हैट्रिक पूरा करने वाले खिलाड़ी इमानुएल 11 नंबर इलाहाबाद टीम से, जो येलो और ग्रीन कलर की जर्सी में देख रहे हैं ये टीम से इलाहाबाद। और यहाँ डीप ब्लू और ब्लैक में यह टीम हमारे रांची की टीम अभी तक इस मैच में 3-0 से पीछे चल रहे हैं फर्स्ट हाफ में। अब देखिए यहाँ पर कंबिनेशन बहुत ही अच्छा बन रहा है, गेंद को क्लियर कर देंगे, गेंद प्ले से बाहर जाएगी। तूने उधर क्या देखा? पिया? ना लाहा तो इंग्लैंड जवाब करता, पी का क्या था? है, नियर ना था? है, ना था तो मैं बिल्कुल था। मामा ऐसा मामा फोटो ही है, इमानुएल। चलो। इमानुएल का 4 गोल हो गया है, इसका व्यक्तिगत गोल इस मैच में 4 और पिछले मैच का अगर ऐड किया जाए तो टोटल 5 गोल हो चुका है। 2 मैच में 5 गोल आज के दिन में टॉप स्कोरर में इमानुएल इलाहाबाद टीम से जर्सी नंबर 11 हेलो। और यहाँ से डबल हैट्रिक के लिए भी 2001 रुपया अभी तैयार है देवीलाल की ओर से। और ये जितना बार हैट्रिक होगा प्रत्येक हैट्रिक पर मिलेगा 2001 रुपया। अगर यहाँ पर इमानुएल का अगर डबल हैट्रिक लगता है तो उनको टोटल मिल जाएगा 4002 रुपया। चलिए 2000 रुपया तो जीत लिए हैं। और यहाँ और 2 गोल अगर आ जाती है इमानुएल का इस मैच में तो डबल हैट्रिक ये लगा लेंगे एक मैच में।
अगर टीम के सहयोगी प्लेयर्सों का सहयोग रहा तो हो भी सकता है। और इसके तुरंत बाद अगला मैच के तुरंत आप रेडी रहेंगे दोनों टीम्स। JMNFC होरासी वर्सेस KGF स्टार क्लब पूर्णिया बिहार। आप अगला क्वार्टर के लिए आप रेडी रहेंगे, डगआउट पर आ जाइए आहिस्ता आहिस्ता आप भी, क्योंकि यहाँ पर कमिटियों का बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि कम से कम अभी समय जो है हमारे पास ज्यादा वक्त अभी है नहीं। आप समझ सकते हैं अगर 4:30 बज गया तो इसके बाद धीरे धीरे शाम हो ही जाएगी और यहाँ पर उस प्रकार का प्लग लाइट का भी वैसे व्यवस्था है नहीं कि यहाँ पर अंधेरा में भी अगर थोड़ा सा विलंब हो जाए तो मैच हो। तो दोनों टीम्स के मैनेजर से सलाह मशवरा करने के बाद यहाँ पर यह डिसीजन आखिर करके निकला कि आज ही यह मैच, चाहे जितना भी समय का होगा लेकिन आज ही मैच होना है, क्योंकि सभी अपने अपने कामों में व्यस्त शेड्यूल बता रहे हैं, इसलिए इनका मैच आज ही होगा। डिफेंस जोन भी तगड़ा है और गोल जोन भी तगड़ा है, इसीलिए इन लोग का टीम बढ़िया है। और इस मैच के बाद जो आज दिन का आखिरी मैच होगा लास्ट क्वार्टर, उसमें दोनों दिग्गज टीम आपस में भिड़ेंगे क्वार्टर फाइनल के लिए। और इनका पिछला रिकॉर्ड, पिछला जो बैकग्राउंड है बहुत ही अच्छा रहा है। अगला गोल क्या आएगा, लेकिन इस बार दूर से ही शॉट लिए इमानुएल, वो भी ऑन टारगेट शॉट था इनका। और आसी टीम पिछले मैच में सिद्धकेतु मुर्मू क्लब त्रिबल सेना दुमका को 3-0 से हरा करके आज क्वार्टर फाइनल में अपना जगह बनाया है। अगर हम बात करें KGF स्टार क्लब पूर्णिया बिहार का, तो इस टीम ने एडीसी परहेज टीम को पेनल्टी शॉट आउट के माध्यम से शिकस्त करके आज यहाँ क्वार्टर के लिए अपना जगह बनाए हुए हैं। तो निश्चित रूप से दोनों टीम्स बहुत ही अच्छे टीम है और हम देखेंगे कि आज दिन का जो अगला क्वार्टर होगा ये भी बहुत ही ज्यादा कॉन्टेस्ट और एक हाई वोल्टेज मैच होने की संभावना, क्योंकि यहां से जो भी टीम जीतेगी वो डायरेक्ट सुपर फोर में सेमीफाइनल के लिए अपना जगह सुनिश्चित करेगी। और अधिक कॉमेडी स्टार है नोई एलोसन अपने गति पे बोला नोई भाई 4 नंबर के राय जहां लगा जहां का नोई दो रफ टफ गति वाला प्लेयर बन गया एलोसन। और निश्चित रूप से गपा देना होगा समय और मैच सामने का ना जिसे उधर बुंद होगा तेरी जाते ना तेरा दुबुन सेटर का नुंगा की गपा दिन हो फर्स्ट मॉर्निंग 8 बजे को ये रोडेबुन सेटर होगा एंड है गपा दो का पहली मैच रहा था है ना ग्रुप बी से कोई होगा 8 बजे का तेरी होगा और ना तो BSK कॉलेज बारहवा ओका तो संथाल प्रगण आ रहे ना आन बान सांग करना को BSK कॉलेज टीम उनको ना गपा दो पहली मैच के बुगती जपा हुआ SDFC जमशेदपुर टीम साहब आज जमशेदपुर टीम हो तेहे ये को है धो करा इनांद के को है करा उड़ाई पे गपा दो ना एकदम सही समय है गाती ही हुआ और गपा देना होगा दोसार गाती होगा ना कहे ना 9:35 कोई उड़ा मैच तो होगा ना होगा शेड्यूल टाइम एम करा फिक्सर है नवा गति तो हुई हुआ MFC मोहम्मदपुर गाजीपुर वर्सेस FC कोलकाता वेस्ट बंगाल। सासू के थे गपा देना होगा के सार मैच रहा था है ना नवा दुकिन गतिया AB फ्रेंड दुर्गापुर वेस्ट बंगाल वर्सेस मालदा गाजल। कल ग्रुप बी से भी अच्छे अच्छे टीम आएंगे क्योंकि कल ओपनिंग मैच ही होगा BSK कॉलेज बरहरवार जमशेदपुर के बीच में। कल दिन का सेकेंड मैच हम देखेंगे कोलकाता वेस्ट बंगाल और मोहम्मदपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश के बीच में। कल दिन का थर्ड मैच हम देखेंगे मालदा गाजल FC और फ्रेंड दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के बीच में।
कल दिन का जो फोर्थ मैच होगा एफसी बीरभूम वेस्ट बंगाल वर्सेस बादोली बयार हरिपुर दुमका, तो ये सारे टीम्स कल ग्रुप बी से हम सबों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये सारे टीम्स कल ग्रुप बी से पार्टिसिपेट करेंगे। वाराणसी की टीम लगभग लगभग टेक्निकल एरिया में पहुंच गए हैं, मैं चाहूंगा यहां पर हमारे पूर्णिया बिहार के जो टीम के मैनेजर हैं आप भी अपने दलबल के साथ आप रेडी होंगे ऑफिशियल मंच के सामने टेक्निकल एरिया में अपने प्लेयर्सों के साथ आप रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे, क्योंकि इस मैच के समाप्ति के साथ ही आप दोनों के बीच में अगला क्वार्टर राउंड का मैच होना है। अमित वहां 10 नंबर पास बढ़ा दिया, अच्छा वहां पर 11 नंबर शॉट क्या ले पाएंगे, ये खराब शॉट यार बाबू, तुम लोग तबियत खराब है, क्या तो गोल खा गया घुमाने से अरे पार बना गया नचा भी चल रहा माथा में मारला छतुआ माथा इन्हें ना आई बोल दो बोल दे पर मैं यार हमारे कुर्सा भी है कुर्सा में भैया अरे गोल हुआ गोल हुआ गोल हुआ गोल हुआ तो ना यहाँ दे रुपये डाला हेलो चेहरे भी देखिए हाँ बोलो थक गया लोग खाना खाना टाइम पास अरे अपने में खेलता उधर ला रे भैया गिर चलो हे ला जा बोल ला रिया ला हां 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 धर 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 ला वे धर हां नाचो रे नाचो हां लगा बड़े रमन भैया रमन की आदमी लगे खातिर खेल पाई
खेला रहा है खेला खेला के थका के मुरा अपने में खेला लोग हो गया गोल नहीं कर पाएंगे यार। अब तो अगर छीन लिया तो आप लोग नहीं चार गोल दिया पांच गोल आप देखता नहीं सकेगा तो अपने में खेल रहा क्या करेगा मजबूर हो गया उन लोग भी सावर देना पड़ेगा क्या। हाँ गोल तो खाना ही है लेकिन मन से हरना नहीं खेल के दौरान तो हरता ही है लेकिन मन से हरना नहीं होते रहता है कभी बाढ़ होता है कभी टक्कर होता है गाना बजाओ नहीं गोल करके तब ना सुतरा वाला गल और ऐसे समय पर एक अवसर मिला था मैच में अंतर लाने के लिए लेकिन गेंद पोस्ट के बगल से निकल गई और ऐसे समय पर एक कॉर्नर को जीत लिया है रांची की टीम। दोनों टीम अगले क्वार्टर के लिए रेडी है और ज्यादा वक्त भी है नहीं है इस मैच में। टेलीफोन कीजिए सिर्फ औपचारिकता ही शेष रह गया है इस मैच में क्योंकि चार गोल से यहां पर लीड में इलाहाबाद की टीम। और इसी के साथ यहां पर मैच समाप्ति का फुल टाइम विसिल बज चुका है और मैं चाहूंगा